हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ट्राई ऑस एनिमेट पर। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि एक फ़ोटो को कैसे किस तरह से रिस्टोर किया जाता है और कौन कौन से टूल्स के सहायता से हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि स्पॉट हीलिंग टूल क्या होता है, क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है और क्रॉप टूल कहाँ पर यूज़ होता है एंड बैच टूल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने ब्लैक एंड वाइट इमेज दिख रहा है उसे हमें कलर इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें उस लेयर पे क्लिक करना है, फिर हमें एडजस्टमेंट लेयर में जाना है और उसके बाद आपको ग्रेडियंट मैप पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने ग्रेडियंट मैप पे क्लिक किया तो फिर यहाँ पे आपको ग्रेडियंट मैप का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए तो आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तब हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कलर होगा स्किन क्ले। तो स्किन कलर सिलेक्ट करने के लिए हम स्किन कलर को सिलेक्ट करेंगे, जो कि होता है कुछ इस तरह का कलर होता है स्किन कलर। तो जस्ट ओके कर दीजिए। फर्स्ट हम डार्क कलर लेंगे एंड जो सेकंड कलर होगा वो हम लाइट कलर लेंगे एंड जस्ट ओके क्लिक कर दीजिए एंड ओके क्लिक कर दीजिए। और बस यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाइए, ग्रेडियंट मैप पे क्लिक कर दीजिए, कलर सिलेक्ट कर दीजिए डार्क कलर और फिर यहाँ पे लाइट कलर सिलेक्ट कर दीजिए जो कि स्किन कलर होगा। ओके क्लिक कर दीजिए और फिर आपको अभी एडजस्टमेंट करना होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो स्किन कलर दिखाई देगा वो रियलिस्टिक दिखना चाहिए। तो आपको उस तरह से कलर को सिलेक्ट करना होगा एंड जस्ट ओके प्रेस कर दीजिए। अब हमें यहाँ पे जो दिख रहा है इसे आप क्लिक कर दीजिए तो सिर्फ वो उसी लेयर पे वर्क होगा। देख सकते हो आप इसी लेयर पे वर्क हो गया है। तो अब आपको क्या करना है कि अभी मैं आपको मास्किंग टूल के बारे में बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कीबोर्ड है इस पर आप डी प्रेस कर दीजिए। डी इसीलिए मैं आपको प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे आप फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर को डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। और फिर अगर आपने एक्स प्रेस किया कीबोर्ड पे तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो फिर अब मास्किंग की तरफ जाते हैं। तो मास्किंग के लिए आपको हमेशा ब्रश का इस्तेमाल करना है। तो आप बी प्रेस करके ब्रश पे आ सकते हो या फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रश ऑप्शन मिलेगा और फिर ब्रश का सेटिंग हमेशा ये सेटिंग रख लिया। आपको स्पेस डायनेमिक ऑफ रखना है एंड आपको फर्स्ट ब्रश इस्तेमाल करना है जो कि है स्मूथ ब्रश टूल। आप जनरल ब्रशेस में आके सॉफ्ट राउंडेड ब्रश को सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी आपको वही सेम सेटिंग्स मिलेंगे। आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो, हार्डनेस चेंज कर सकते हो। हार्डनेस हमेशा ज़ीरो पे रखिए, साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो। एज वेल एज फोटोशॉप में अगर आपने माउस पे राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर भी आपको वही सेम ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको ब्रश के साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप कीबोर्ड पे ब्रैकेट बटन से इजीली ब्रश और साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जो ब्रैकेट साइज एंटर बटन के साइड में जो बटन है उसे हम ब्रैकेट बटन कहते हैं, या फिर जो स्पेस बार के साइड में जो प्लस बटन है उसके नीचे जो दो बटन है वो ब्रैकेट बटन होते हैं। उसके सहायता से हम ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम मास्किंग की तरफ जाते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे जो कैनवस दिख रहा होगा, एक कैनवस है और एक फिल्टर है या फिर ग्रेडियंट मैप भी कह सकते हैं इसे। तो आपको हमेशा
कैनवस पे क्लिक करना है। कैनवस पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रश सिलेक्ट करना है, या फिर आप बी सिलेक्ट कर सकते हो कीबोर्ड पे। उसके बाद आप फोरग्राउंड वाइट कलर है एंड बैकग्राउंड ब्लैक कलर है, तो फिर हमेशा इसे डी से डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, और फिर देखिए कि इस लेयर पे ब्लैक से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर एक्स दबाइए तो बैकग्राउंड कलर इस तरह से हो जाएगा। और फिर अगर हमें इसे वापस लाना है तो एक्स दबाइए तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा एंड फोरग्राउंड कलर वाइट है। तभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें सिर्फ इतना पोर्शन को निकालना है और स्क्रीन पोर्शन को रखना है। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, तो फिर हमें इसे वाइट करना है, तो सिर्फ एक्सप्रेस कर दीजिए कीबोर्ड पे। उसके बाद सिर्फ ब्रश के सहायता से आप इसे इरेज कर सकते हो। हमें इसमें इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने ब्लैक कलर यूज़ किया था फोरग्राउंड कलर, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अप्लाई हो चुका है। इस मेथड में आपको इरेजर की कोई यूज़ नहीं है। अगर आपने गलती से ज़्यादा एरिया को एरिया में कलर फिल कर दिया है, तो आपको सिर्फ फिर से एक्स क्लिक कर दीजिए एंड आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हो। अभी हम इसके ब्रश साइज कम कर देते हैं एंड फिर हम इतने पोर्शन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ फेस को सिलेक्ट किया है मास्किंग की सहायता से। हाँ, तो फिर अब हमें देखिए, आप इतना पोर्शन एक्स्ट्रा सिलेक्ट इरेज हो गया, तो हम सिर्फ एक्स दबाएंगे, ब्रश के साइज़ कम कर देंगे एंड फिर इस पर वापस से अप्लाई करेंगे। जहाँ पे आपको एरर्स दिख रहा है, सिर्फ एक्स प्रेस कर दीजिए तो बैकग्राउंड में वाइट आएगा। उसके सहायता से आप इसे इजीली इरेज कर सकते हो। और अगर आपको ऐड करना है, जैसे अभी यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो फिर से एक्स प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड पे, तो अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है। अभी सिर्फ इस पे माउस के सहायता से, अगर आपके पास पेन टैब है तो सिर्फ इजीली इसे आप ऐड कर सकते हो। अभी हैंड पोर्शन पे आते हैं, अभी हमें इसे निकालना है इतने पोर्शन को। वापस से एक्स प्रेस कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। ब्रश साइज इंक्रीज कर दीजिए, फिर आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हो। अगर आपको ब्रश का साइज चेंज करना है, माउस पे राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से भी आप ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो अभी हम जल्दी से इसे मास्क कर देते हैं और फिर आपको बताऊंगा कि अगला स्टेप क्या होता है, क्या करना है। आप देख सकते हो कि इतना पोर्शन सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें वापस से एक्स दबाएंगे, ब्रश पे आएंगे और इसे हम सिलेक्ट कर देंगे। मास्किंग का यही एडवांटेज है कि हम इजीली इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने इरेजर का यूज़ किया होता तो हम इसे वापस अंडू नहीं कर पाते। तो अब हमने इसे सिलेक्ट कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी आपको अंडरलाइंग लेयर्स पे जाना है और इसे एडजस्ट करना है। रियलिस्टिक फेस दिखने के लिए आप यहाँ पे ऑल दबा दीजिए, यहाँ पे आके ऑल दबाइए, जिसके सहायता से आप इसे मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे शेडोज दिखाई देंगे आपको एंड डार्केस्ट हाइलाइट्स एंड शेडोज आपको इजीली दिखाई देंगे। तो अभी आपको ओके प्रेस करना है एंड फिर आपको ऑपेसिटी चाहे तो आप कम कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि
हमने इसे मास्क किया, फिर कलर ऐड किया, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमें पता है कि हमारे फेस पे ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारे फेस पे रेड स्पॉट दिखाई देते हैं। तो अगर हमें वो ऐड करना है तो हमें सिर्फ ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट लेयर में जाके एडजस्टमेंट लेयर एंड ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक कर दीजिए। एंड फिर अगेन इसे हम क्लिप मास्क करेंगे, तो इसे क्लिप करने के बाद उसी लेयर पे सिलेक्शन हो जाएगा। एंड फिर इसे हम कलराइज पे क्लिक कर देंगे एंड इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये पूरा रेड हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें इसे इन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा कैनवस है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे एंड इसका ओपेसिटी 5% रख देंगे, 1 to 5% रख देंगे। एंड फिर हम थोड़ा कलर्स अप्लाई कर देंगे, आप देख सकते हो कि आपका रेड कलर अप्लाई हो चुका है, जो हमें ब्लड वेसल्स की तरह दिख रहा है एंड थोड़ा रियलिस्टिक फीलिंग भी आ रहा है इस बार इमेज पे। कंट्रोल ओ से फिट टू स्क्रीन पे आ जाएंगे और ब्रश दबाने के ब्रश पे आ जाएंगे, तो और थोड़ा हम इसे रियलिस्टिक फीलिंग देंगे। जहाँ पे शेडोज दिख रहा है वहाँ पे हम इसे ब्रश से सिर्फ हल्का से स्ट्रोक्स मार देंगे। एंड फिर आप देख सकते हो कि इसके आईब्रोज के नीचे रेड पोर्शन क्रिएट हो गया है, जो ब्लड वेसल्स की तरह दिख रहा है। और अगर हमें इसे और इंक्रीज़ करना है तो हम सिर्फ ओपेसिटी बढ़ा देंगे, तो ये देखिए ये और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इतना न करके हमें इसे सिर्फ 5% पे रखना है, 5 to 11%, जिससे 5% पे रखना है, जिससे कि हम उतने पोर्शन को हाईलाइट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके ड्रेस को किस तरह से कलराइज कर सकते हो। तो प्रोसेस से मैं आपको एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर से यू एन सैचुरेशन पे क्लिक करना है, फिर आपको वापस से कलराइज पे क्लिक करना है एंड आपको इसे क्लिप करना है। और फिर अगर आपको कोई ब्लू कलर सिलेक्ट करना है तो आप ब्लू कलर सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे करता हूँ। उसका सैचुरेशन इंक्रीज़ कर दीजिए, आपको जितना इंक्रीज़ करना है सैचुरेशन को। और फिर हाइलाइट्स को डिक्रीज भी कर सकते हो, तो थोड़ा मैं डिक्रीज कर देता हूँ हाइलाइट्स को। और फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल आई से हम इसे इन्वर्ट कर देंगे। और फिर से हम ब्रशेस पे आएंगे, ब्रश के साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देंगे एंड ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। और फिर हम इसे स्ट्रोक्स क्रिएट कर देंगे, फिर हम इसे सिर्फ ड्रॉ करना है अभी हमें। अगर यहाँ पे अभी आपको कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जस्ट यहाँ पे इजीली कलर को चेंज कर सकते हो, जो कलर अच्छा लग रहा है उस कलर को आप सिलेक्ट करके रख दीजिए। तो अभी हम यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट करके हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो इमेज में लिया था वो हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं था, इसी कारण आपको कई जगह पे ब्लरीनेस दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार और एक बार इसे वीडियो को समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक हाई रेजोल्यूशन इमेज लेके आपको कलर करेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको फोटो रिस्टोरेशन का ही बता रहा था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस तरह से कलर करेक्शन किया जाता है इमेज को वो बताने वाला हूँ। तो उस समय मैं आपको एक हाई रेजोल्यूशन इमेज के सहायता की मदद से आपको
ये स्टेप दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आपको एक इमेज को कलर करेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमने इसके ड्रेस को कलर कर दिया है, तो अभी हम देखते हैं कि इसके जो पे जो पैटर्न्स है वहाँ पे हम गोल्ड कलर फिल कर देते हैं। तो फिर से प्रोसेस से हमें आपको एडजस्टमेंट लेयर में जाना है, ह्यू सैचुरेशन में जाना है एंड कलराइज पे क्लिक करना है, और आपको फिर गोल्ड कलर सिलेक्ट करने के लिए हाँ इसको क्लिप करना मत भूलिए ताकि सिर्फ वो उसी लेयर पे वर्क करे। ये गोल्ड कलर के लिए हम सैचुरेशन को इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा येल्लो येल्लो टिंट कलर लेते हैं एंड ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कैनवस पे एंड कंट्रोल आई दबाएंगे तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने जो ब्लू एरिया को फिल किया था हमें उसे रिमूव करना है, तो हम उस लेयर पे क्लिक करेंगे एंड उस कैनवास पे क्लिक करेंगे, ब्रश पे जाएंगे, ब्रश का साइज़ डिक्रीज करेंगे एंड यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे जिससे कि हमारा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए एंड फिर हम इतने पोर्शन को रिमूव कर देंगे। आप ब्रश की सहायता से इसे रिमूव कर सकते हो। तो फिर मैंने इतना पोर्शन को रिमूव कर दिया है, तो अभी हम उस वापस से अपने गोल्डन कलर वाले लेयर में जाएंगे एंड उस कैनवास को सिलेक्ट करेंगे एंड वापस से हम ब्रश पे सिलेक्ट करेंगे बी से एंड हमें फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम इसे एक्सप्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तभी अभी अभी हमें सिर्फ इसे ऐड करना है। तो इसके सहायता से आप इजीली इसे ऐड कर सकते हो एंड कंट्रोल ओ से फिट टू स्क्रीन। वापस से ब्रश लेंगे और इसे हम सिर्फ ऐड करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलर करेक्शन कैसे किया जाता है एडवांस में इन डेप्थ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताया कि ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर इमेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड किस तरह से हम उस फेस को कलर करते हैं, ड्रेस को कलर करते हैं, और अगर कोई ज्वेलरी है तो उसे किस तरह से कलर किया जाता है यू सैचुरेशन की सहायता से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कलर करेक्शन के बारे में बताऊंगा, पेन टूल के बारे में बताऊंगा कि पेन टूल क्या होता है एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा एंड ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ब्लेंडिंग टूल्स क्या क्या इस्तेमाल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो चैनल पे बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए।